अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके। राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंग पा सके। कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दिए, जो किराया निकला आगे। पटुए में कहा? खाली है सर। खाली है तो रखा कहा? आता जा रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो एक बारी प्लीज कंफर्म करेंगे, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस प्लीज। शुभम विश्नोई, यशपाल भट्टी, वेरी गुड इवनिंग। दीप्ति, वेरी गुड इवनिंग। तरनदीप, वेरी गुड इवनिंग। शिवनाथ सुजल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और सब कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? चलिए बहुत बढ़िया। एक बारी बता दो जरा सारे बच्चों को, नगाड़े बजा दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, आशु तिवारी, सुजल, सुजल कह दिया। सर आपकी तबीयत कैसी है? अगर सच्ची बताऊं ना, मेरे को थोड़ी थोड़ी तो अभी भी ठंड सी लग रही है, बट ठीक है, कल से बेटर है। चलो और जल्दी जल्दी ज्वाइन कराओ यार सबको। कमाल कर दिया बाबूजी, आज का जो सेशन है वो इतना खतरनाक होने वाला है, इतना खतरनाक होने वाला है। थाली बजा दी, क्या बात है, ग्रेट। हम लोग ना आज स्टॉक मार्केट का सेशन नंबर 4 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, वेरी स्पेशल, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट पढ़ेंगे, दैट इज डेरिवेटिव्स, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ठीक है। और ये 90% लोग ऐसे हैं जो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, बट सही मायने में उनको नहीं मालूम कि डेरिवेटिव्स किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा, दैट विल बी कंप्लीटली अ कंप्लीट फाउंडेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टूडेज क्लास वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी तक ना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था ऑल अबाउट कैश मार्केट, ठीक है ना। हम लोग आपके साथ जो भी डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज ऑल अबाउट कैश मार्केट। और कैश मार्केट के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है ना। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कैश मार्केट्स में, शेयर्स खरीद लेते हैं एंड दे बिकम शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 सेशंस में यही सीखा कि शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, और किन किन पैरामीटर्स को आपको चेक करना चाहिए
जब भी आप कोई भी शेयर परचेज करते हो, तो पहले तीन सेशंस इस चीज से रिलेटेड थे। आज हम लोग अपना एक नया सेगमेंट के बारे में समझेंगे, दैट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक काम करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट। इन दोनों में ना हम लोग एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करेंगे कि कैश मार्केट में लोग क्यों और कब जाते हैं और डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर लोग क्यों और कब जाते हैं। ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा सारे बच्चे। हाँ जी, सबने हेडिंग डालनी है, टाइप्स ऑफ मार्केट से लिख लो आप। हाँ जी, कितने तरह की मार्केट्स होती हैं इसको हम लोग ब्रॉडली आज हम दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं, एक कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है ना, तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लोगों को ना एफ एंड ओ सेगमेंट में काम करने का बहुत इंटरेस्ट है, बट थोड़ी सी नॉलेज इनकम्प्लीट होने की वजह से कई बार क्या होता है कि आप एफ एंड ओ सेगमेंट के अंदर गलत तरीके से काम कर रहे होते हो। ठीक है ना, तो पहले आज हम लोग पूरा बेस क्रिएट करेंगे कि एफ एंड ओ सेगमेंट आया कहां से, ठीक है ना, और क्यों जरूरत आन पड़ी एफ एंड ओ सेगमेंट को इंडिया में लाने की। ठीक है ना, तो ये सब चीजें समझेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं बेटा, दो तरह के लोग होते हैं, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। कैटेगरी वन, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस ऑफ अ कंपनी। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, और ऐसे लोग कंपनी के पार्ट ऑनर्स बनना चाहते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट है रिलायंस में, एंड आई वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अगर आपका इंटरेस्ट है किसी कंपनी के बिजनेस में, एंड यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑनर ऑफ दैट कंपनी, सो यू कैन बिकम द पार्ट ऑनर बाय बाइंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। सो इफ यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो दैट मीन्स योर इंटेंट वॉज वेरी क्लियर, दैट यू आर बाइंग विद अ वेरी क्लियर इंटेंट दैट यू वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑनर ऑफ द कंपनी। तो एक बार हमेशा याद रखिएगा, जो लोग शेयर्स में खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, सुबह खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं, एक्चुअली में वो लोग क्या काम कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता चल रहा। अगर आपको सुबह खरीदना है और शाम को बेचना है, तो सर आपको प्रैक्टिकली शेयर मार्केट में, कैश मार्केट में नहीं जाना चाहिए, आपको इंस्टेड कहां जाना चाहिए, डेरिवेटिव मार्केट में। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि 90% लोगों को यह भी नहीं मालूम कि हमें कब शेयर खरीदने चाहिए और कब डेरिवेटिव ट्रेड करना चाहिए। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से सुनना है आपने। तो जो लोग कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड है एंड दे वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑनर ऑफ दैट कंपनी, तो नॉर्मली इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या बाय कर लेते हैं, कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। हाँ जी, वो क्या बाय कर लेते हैं, कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं, एंड दे बिकम शेयर होल्डर्स। एक बारी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? आवाज बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी, वो सब क्या बन जाते हैं बेटा, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया तो मुझे वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक शेयर होल्डर यानी कि एक ऑनर को मिलती है। बताओ, क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको राइट इश्यूज मिलेंगे? बिल्कुल। अगर कंपनी कभी भी राइट इश्यू लेकर आती है अपने शेयर होल्डर के लिए, तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे? सर बिल्कुल होंगे, बिकॉज यहां पर आपने बेसिकली कंपनी में पार्ट ऑनरशिप खरीदी है थ्रू शेयर्स। क्लियर है? तो जितने भी लोग कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर एंटर करना चाहते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप कैश मार्केट में जाओ
और आप क्या करो, शेयर्स बाय करो। हु विल टेल मी क्या यहां पर 100% पैसा क्या हमें अपफ्रंट पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। याद रखना, कैश मार्केट में आप जब भी जाते हैं यू नीड टू पे 100% मनी अपफ्रंट। हां जी, सबने बोलना है बच्चे। यहां पर आपने क्या पे करना है? 100% मनी आपको अपफ्रंट पे करना होता है इन द कैश मार्केट, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इंस्टेड आई एम इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन कैपिटल एप्रिसिएशन, बस मेरा इंटरेस्ट यही है कि यार बस मैं शेयर खरीदूं और जैसी बढ़ जाए मैं एग्जिट ले लूं। यानी कि मेरा शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या उसकी मूवमेंट में इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट किस में है बच्चे? सिर्फ उस कंपनी के शेयर की मूवमेंट में इंटरेस्ट है, याद रखना। यानी कि आपको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंपनी की कोई सीट नहीं चाहिए, आपको राइट इश्यूज नहीं चाहिए, आपको बोनसेस नहीं चाहिए, आपको डिविडेंड्स भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपको वोटिंग राइट्स भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये चाहते हो कि भैया मेरा शेयर अगर आज मैंने खरीदा विद एन इंटेंट कि वो 100 रुपए बढ़ जाए, 150 रुपए बढ़ जाए, बस उस एप्रिसिएशन के लिए मैं वो शेयर खरीदने जा रहा हूं, तो याद रखना वहां पर हम लोग कौन सी मार्केट में जाते हैं? डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं। चलिए एक बार मैंने जितना बताया उसके बेसिस पे बता दीजिए कि डेरिवेटिव मार्केट में जाने का इंटेंशन टू बिकम ऑनर ऑफ द कंपनी है या टू जस्ट पार्टिसिपेट इन द एप्रिसिएशन ऑफ दैट प्राइस है? जल्दी बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है? हाँ जी, सबने आंसर देना बेटा। मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है जब मैं डेरिवेटिव मार्केट में जाता हूं? तो व्हाट इज माय इंटरेस्ट व्हेन आई एम गोइंग टू डेरिवेटिव मार्केट? एवरीबॉडी कम ऑन, जब भी आप डेरिवेटिव मार्केट में जाओगे तो याद रखना आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के शेयर के कैपिटल एप्रिसिएशन में होता है। आपको डिविडेंड राइट्स, बोनसेस, वोटिंग राइट, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या सबको क्लियर है? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और याद रखना डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको 100% मनी अपफ्रंट नहीं देना होता, आपको सिर्फ पे करना होता है मार्जिन। यहां पर आपको क्या पे करना होता है? मार्जिन या फिर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। लिख लीजिएगा, या तो आपको मार्जिन पे करना है या फिर आपको प्रीमियम पे करना है। एक बारी मेरे साथ दोबारा बोलेंगे अगर मेरा किसी कंपनी के धंधे में इंटरेस्ट है, मुझे मालूम है कि इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है और ये आने वाले 10 साल 5 साल बाद मुझे बेनिफिट देगा, तो आई शुड बाय क्या? शेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड द मोमेंट आई विल बाय द शेयर, दैट मींस यू आर राइट नाउ इन द कैश मार्केट, यू विल हैव टू पे एवरीथिंग अपफ्रंट, और ऐसे में आपको शेयर होल्डर का टाइटल मिल जाएगा, आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, आपको बोनसेस मिलेंगे, आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करने जा रहे हैं तो याद रखना यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनीज, यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज फ्यूचर। यानी कि आपका इंटरेस्ट किस में है? कंपनी के फ्यूचर में है, कंपनी के ऑनरशिप में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? Yes, very. It's not, Shubham kehta hai speculative. I will not say this is speculative because the intent with which derivative market was introduced, this instrument was introduced in India, that was hedging. To aap likh sakte hain, derivative instruments were introduced in India with intent to, हाँ जी, derivative instruments को introduce किया गया था इंडिया में with intent to hedge, लेकिन धीरे धीरे
ये कुछ लोगों के लिए हेजिंग टूल है और कई लोगों ने इसको बना दिया क्या स्पेकुलेशन, और कई लोग आज भी इस टूल की मदद से आर्बिट्रेज भी करते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा हेजिंग कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आर्बिट्रेज कैसे करते हैं, और स्पेकुलेट तो खैर सिखाने की कोई बात ही नहीं है, वो तो स्पेकुलेशन है, उसमें तो आंख बंद करके बस गैम्बलिंग करनी है आपने। ठीक है जी, तो चलिए मेरे साथ एक बार दोबारा से बताएंगे डेरिवेटिव मार्केट स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे फिर से बताएंगे। चलो मैं आपको एक सवाल, एक सिंपल सा सिचुएशन देता हूं, आप समझिएगा। मेरी वाइफ को सुन लो, गोल्ड पसंद है क्योंकि शी वॉन्ट टू वेयर इट, शी वॉन्ट टू ओन इट। हाँ जी, टेल मी, शुड आई गिव हर गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट, या मैं उसको गोल्ड का फ्यूचर दे दूं? बताओ, अब आप शायद ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। बताओ, मेरी वाइफ को गोल्ड खरीदना है क्योंकि उसको पहनना है, बताओ, शी वॉन्ट टू ओन इट, तो बताओ वो कहां जाएगी? विल शी गो टू कैश मार्केट, या वो डेरिवेटिव मार्केट में जाएगी एंड शी विल बाय गोल्ड फ्यूचर? जल्दी बोलो फटाफट से, तो वो कहां जाएगी जल्दी बताओ। शी विल आस्क मी टू गो टू ज्वेलर, क्या जब आप ज्वेलर में जाओगे तो मुझे बताओ, क्या ज्वेलर के पास जब आप ज्वेलरी खरीदते हो, क्या इट्स अ कैश मार्केट? यस सर, इट्स अ कैश मार्केट, जहां पर आपको 100% सारा अपफ्रंट पे करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में है कि गोल्ड अभी बहुत सस्ता चल रहा है और मुझे मालूम है कि आने वाले 3 महीने में 2 महीने में गोल्ड एकदम से ऊपर आने वाला है, सो मेरा इंटरेस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स में नहीं है, मेरा उसकी ऑनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ उसके प्राइस एप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है, मेरा उसके फ्यूचर में इंटरेस्ट है, तो टेल मी व्हाट शुड आई डू? क्या मैं गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदूं या मैं गोल्ड का फ्यूचर बाय करूं? बस इतना बता दीजिए, जल्दी बताओ, क्या बाय करूं मैं? क्या मैं गोल्ड का ऑर्नामेंट बाय करूं या गोल्ड का फ्यूचर बाय करूं? एवरीबॉडी कम ऑन। So definitely in that very case I will go and buy gold future, क्योंकि मेरा interest owning gold नहीं है, मेरा interest सिर्फ उसका appreciation है। I hope the point is clear to everyone. Very good. So there are two categories of people, one who love to buy gold and one who just want to take the appreciation of that gold. तो जिनको gold पसंद है, जिनको gold पहनना पसंद है, जिनको गोल्ड घर में रखना पसंद है, वो लोग कहां जाते हैं? ज्वेलर पे जाते हैं। और क्या वो वहां पर ऑर्नामेंट की फॉर्म में ज्वेलरी खरीद लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने एक ऑनरशिप ले लिया है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इज इन द कैश मार्केट। लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो गोल्ड वैसे पसंद नहीं करते, बट दे सिंपली वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट व्हेन इट अप्रिशिएट्स, तो फिर वो क्या खरीदेंगे? गोल्ड का फ्यूचर बाय करेंगे। आई एम वेरी श्योर सबको क्लियर हो गया या नहीं? क्या कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट, जल्दी बता दो फटाफट से। सर मेरा इंटरेस्ट है रिलायंस के शेयर्स में, रिलायंस के धंधे में, रिलायंस के वोटिंग में, रिलायंस के बोनसेस में, रिलायंस के डिविडेंड्स में, वेयर शुड आई गो? टेल मी, कहां जाऊं मैं? एवरीबॉडी कम ऑन, वेयर शुड आई गो? Everybody, come on यार, सबने बोलना है कैश मार्केट, क्या बात है। आई विल डेफिनेटली गो टू कैश मार्केट, ग्रेट। लेकिन अगर मैं कहूं नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू ओन द शेयर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे हाँ इतना मालूम है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ द रिलायंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलायंस कंपनी, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ द रिलायंस। कम ऑन, मुझे कोई डिविडेंड से प्यार नहीं है, मुझे वोटिंग्स नहीं करनी, मुझे बोनसेस नहीं चाहिए, वेयर शुड आई गो? ग्रेट। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। याद रखना, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना होता है? मार्जिन पे करना होता है। टेल मी व्हाट इज मार्जिन? आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अभी। या तो मार्जिन या प्रीमियम, लिख लीजिए, या तो मार्जिन पे करना है या प्रीमियम।
अब मैं आपको बताऊंगा मार्जिन कब देना होता है और प्रीमियम कब देना होता है. डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हेन टू गिव मार्जिन एंड व्हेन टू गिव प्रीमियम. क्या सबको क्लियर हो गया जी? बोलो मेरे दोस्तों. चलो जी, अब लिखेंगे जरा सारे. तो कौन मुझे बताएगा कैश मार्केट का ऑब्जेक्टिव? यहां पर जो भी आएगा वो पे क्या करेगा? 100% अपफ्रंट पे करेगा, याद रखना. यहां पर आप क्या पे करोगे? मार्जिन, या फिर आप क्या पे करोगे? प्रीमियम. याद रखना, कैश मार्केट में कोई लॉट साइज नहीं होता है. डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा एक लॉट साइज होता है जिसमें आप ट्रेड करते हो. डेरिवेटिव मार्केट में आप हमेशा क्या ट्रेड करते हो? एक लॉट में ट्रेड करते हो. यू डोंट ट्रेड इन वन और टू क्वांटिटी. आपको एक मिनिमम लॉट साइज में खरीदना ही पड़ेगा. नाउ व्हाट इज लॉट साइज? मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका. जैसे आपको रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप एक शेयर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको रिलायंस कंपनी का फ्यूचर लेना है तो आपको मिनिमम 250 शेयर का फ्यूचर मिलेगा. मतलब वहां पर एक शेयर का फ्यूचर होता ही नहीं है. वहां पे मिनिमम कितने शेयर का फ्यूचर लेना पड़ेगा? 250 शेयर का फ्यूचर लेना पड़ेगा. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. बोलो बेटा. तीसरे नंबर पे लिखेंगे, यहां पर आप बन जाते हो पार्ट ऑनर ऑफ द कंपनी. लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलती है, कोई ऑनरशिप ग्रांट नहीं होती है इन द डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट में देयर इज नो ऑनरशिप बीइंग ग्रांटेड टू यू. बट यस, कैश मार्केट में यू बिकम द पार्ट ऑनर ऑफ द कंपनी. ठीक है जी. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां पर आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, यहां पर आपको बोनसेस मिलेंगे, यहां पर आपके पास वोटिंग राइट्स भी आएंगे, सब कुछ होगा यहां पर. ठीक है जी. लेकिन जब आप डेरिवेटिव मार्केट की बात करेंगे, देयर विल बी नो डिविडेंड, देयर विल बी नो बोनसेस, देयर विल बी नो वोटिंग राइट्स, नथिंग. ठीक है जी. तो बेसिकली आपको कोई डिविडेंड, बोनस, वोटिंग राइट्स कुछ नहीं मिलने वाला व्हेन यू आर वर्किंग विद द डेरिवेटिव मार्केट. क्या सबको क्लियर है या नहीं? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसका जो मेन पर्पस होता है कैश मार्केट का, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स. यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की मुद्दे से गए थे, लेकिन यहां पर आप जाते हो या तो विद एन इंटेंट टू हेज, या आर्बिट्रेज, या फिर स्पेकुलेट. ठीक है जी. तो जितने भी हेजर्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं, वो सारे लोग किस में काम करते हैं? दे ऑल वर्क इन द डेरिवेटिव मार्केट. बट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल वर्क इन द कैश मार्केट. क्या सबको समझ में आया या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों. तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का शौक है तो कहां जाना है, जल्दी बताओ. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट करने का शौक है तो कहां जाओगे? अगर आपके पापा कहते हैं कि भैया जी आप इन्वेस्टर बनो, तो आपने कहां जाना है? वेरी गुड. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हेज करना है या आर्बिट्रेज करना है, तो आपको कहां जाना चाहिए? डेरिवेटिव मार्केट में जाना चाहिए. क्या डिफरेंस समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े. क्या डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो मेरे दोस्तों. डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट क्या सबको समझ में आया या नहीं? ग्रेट. अब लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर टू. लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट. जब हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो इसमें कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं वो आपने लिखना है. लिखो, नंबर वन पे है ऑप्शंस, नंबर टू पे है फ्यूचर्स, और भी होते हैं. ठीक है, स्वैप होता है, स्वैप्शन होता है, बट अभी हमने उसमें नहीं घुसना. हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है, एक ऑप्शंस और एक फ्यूचर्स के बारे में. ठीक है ना. कई लोग बोलते हैं दो ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, स्वैप होता है,
इट इज ऑल्सो डेरेवेटिव इंस्ट्रूमेंट. स्वैप्शन इज देयर, ठीक है. फॉरवर्ड इज देयर, ठीक है ना. फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शन, स्वैप्शन, ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है. बट अभी हम सिर्फ दो ही बारे में चर्चा करेंगे. कौन कौन सा? एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस के बारे में. चलो ग्रेट. अब अभी हमें क्या करना है? देखो फ्यूचर्स तो बहुत आसान होता है ना. सबसे इजी इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड क्या है? फ्यूचर्स. तो इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं. तो आइए मैं आपको ना फ्यूचर्स दो मिनट में खत्म करा देता हूं, है ना. तो देखो फ्यूचर क्या होता है? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ध्यान से सुनना. देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक का एप्रिसिएशन में इंटरेस्टेड हो, आप किस में इंटरेस्टेड हो? स्टॉक एप्रिसिएशन में इंटरेस्टेड हो, ठीक है. और स्टॉक एप्रिसिएशन में आप इंटरेस्टेड थे और आपने क्या करा? आपने उसका फ्यूचर बाय करना है. याद रखना, आप फ्यूचर बाय भी कर सकते हो और आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हो. आप फ्यूचर बाय भी कर सकते हो और आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हो, ठीक है. अब क्या मतलब है सर इस बात का? मैं आपको समझाता हूं. देखिए फ्यूचर बाय करने का मतलब है कि आपको लग रहा है कि उस चीज का प्राइस ऊपर जाएगा. अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस आने वाले समय में ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करो? आप उस कंपनी के शेयर का फ्यूचर बाय कर लो, उस कंपनी के शेयर का फ्यूचर बाय कर लो. लेकिन अगर आपको लगता है कि उस शेयर का, स्टॉक का एप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसमें फॉल आने वाला है, इफ यू फील दैट शेयर के अंदर गिरावट आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी के फ्यूचर को इंस्टेड ऑफ बाइंग आप सेल कर दीजिए. आप बाय मत करिए, आप इंस्टेड ऑफ बाइंग क्या कर दीजिए? आप सेल कर दीजिए. क्या सबको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप बाय करो, अगर आपको लगता है कि वो गिरने वाला है तो आप सेल कर दो. क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों. लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर को बाय करो या सेल करो, आप फ्यूचर को बाय करो या सेल करो, आपको ध्यान रखना है कि आपको बाइंग और सेलिंग करते समय, सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, यू हैव टू ट्रेड इन मिनिमम लॉट साइज. आपको मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा, आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा या एक लॉट बेचना पड़ेगा. आप एक शेयर बाय और एक शेयर सेल नहीं कर सकते. बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये लॉट साइज कितना होता है और ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा. लॉट साइज कितना होता है और ये कैसे डिसाइड होता है, पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं आपको. तो आपको मिनिमम एक लॉट में ट्रेड करना है, याद रखना, ठीक है जी. अब इस लॉट का साइज क्या होता है वो भी अभी समझाता हूं. फ्यूचर जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी एक पीरियोडिसिटी होती है बेटा. उसकी क्या होती है? एक पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई फ्यूचर में काम कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है, लाइक वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, ठीक है ना. तो इसके अंदर ऐसे होता है वन मंथ, टू मंथ एंड थ्री मंथ. तो यानी कि जब भी मैं फ्यूचर बाय करूंगा तो या तो मैं बाय क्या करूंगा? वन मंथ फ्यूचर, या मैं बाय करूंगा टू मंथ फ्यूचर, या मैं बाय करूंगा थ्री मंथ फ्यूचर. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है या नहीं? बोलो. वेरी वेल डन. और आपको इसके लिए क्या पे करना पड़ता है? मार्जिन मनी पे करना पड़ता है. सारे बोलो क्या पे करना पड़ता है? मार्जिन मनी पे करता है. अब ये जो मार्जिन मनी होता है ना, ये कितना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं. अभी सिर्फ मैं लिखवा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी चेक करवाऊंगा सब कुछ. मार्जिन मनी कितना देना होता है लिख लो. 20-25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. सर ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है अगर उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा है. वोलेटिलिटी ज्यादा है,
हाँ जी, अगर इस स्टॉक में क्या ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ये वैल्यू कई बार 30% पे भी चली जाती है, 35% पे भी चली जाती है। क्लियर है या नहीं? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% मिनिमम होता है, ये 25, 30, 35 तक भी जा सकता है अगर कोई अडानी जैसा स्टॉक है। अब आप मुझे बताओ, क्या अडानी के स्टॉक में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है ना? वो ऐसे भागता है, 300 रुपए इधर, 400 रुपए इधर, 300 रुपए इधर, 400। तो बेटा क्योंकि इसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर याद रखना मार्जिन भी थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्या मेरी बात सबको समझ आई या नहीं? चलिए मैं फटाफट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? सोचना, जवाब देना। मैंने क्या बोला कि अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी के फ्यूचर में इंटरेस्ट है, आपको कंपनी की ऑनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ उसके फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, आपको मालूम है कि रियल टाइम अभी नियर फ्यूचर में एकदम से प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो आप शेयर ना बाय करके उस कंपनी के शेयर का क्या बाय कर सकते हो? फ्यूचर बाय कर सकते हो, ठीक है जी? फ्यूचर बाय करने में फायदा क्या होता है कि आपको पूरा पैसा नहीं देना होता, आपको सिर्फ क्या देना होता है? मार्जिन मनी देना होता है। तो आपको कम पैसे में ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है ना? ये बेनिफिट होता है इसके, ठीक है? और जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उसमें नुकसान क्या है कि आपको अपनी मर्जी अनुसार यहां पर काम करने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपका लॉट पहले से फिक्स होता है, तो आपको वो मिनिमम लॉट साइज लेना पड़ेगा, वो आपका पहले से ही क्या होगा? फिक्स होता है, याद रखना, ठीक है जी? चलो, वेरी गुड। तो आइए जरा एक बारी, वॉन्ट टू सी द प्रैक्टिकली, बताओ थियोरेटिकली पढ़ाऊं या कुछ प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? बोलो मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकली देखना है? बोलो यार, देखो बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? जस्ट अ सेकेंड, वेट। One minute, one minute, one minute. और सुनाओ कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? यार कुछ इश्यूज आ रहे हैं पासवर्ड में। आपको एक बार बस चेक करवा रहा हूं, आप देखना आपको विजिबल है या नहीं। जस्ट चेक करेंगे, इज इट विजिबल टू यू और नॉट? आई जस्ट शो यू, है ना? देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं रिलायंस, ये मैंने रिलायंस लिखा। आप देखो यहां पे अगर आप विजिबल हो पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लो
अब देखो शायद दिख जाएगा आपको। ओहो दिख रहा है ना अब, देखो अब, हाँ अब दिख रहा होगा। देखो क्या दिखा हुआ है, रिलायंस का शेयर। पहले मैं आपको शेयर दिखाता हूं, देखना जरा कितने का शेयर है। हाँ जी सारे चेक करेंगे शेयर कितने का है। हाँ जी फटाफट से बताओ शेयर कितने का है। 2336 बेटा, सबने ना लिखना है कहीं पे, कहोगे तो मैं भी लिख देता हूं। शेयर है 2336, ठीक है जी, इतने का शेयर है ये। अब देखो अगर मुझे 250 शेयर खरीदने हो, चेक करो ये कितने पैसे मांग रहा है। हाँ जी 250 शेयर खरीदने हो तो ये कितने पैसे मांग रहा है, 584162, 584162। वो कह रहे हैं कि भैया जो लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अगर वो 250 शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मुझे बताओ ये कौन सी मार्केट है। हाँ जी बताओ ये कौन सी मार्केट है, जल्दी बताओ कौन सी मार्केट है ये। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन। कैश मार्केट है। अच्छा मैंने क्या कहा था, कैश मार्केट में आपकी मर्जी है, आप 25 शेयर भी खरीद सकते हो। यस सर। तो आप देखो मैंने जैसे ही 25 शेयर खरीदा 58416 आ गया, 58416 आप देख रहे हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको 25 खरीदने हैं तो आप 25 खरीद लो, अगर आपको 250 खरीदने हैं आप 250 खरीद लो। सर आप दो भी खरीद सकते हो, देखो दो दो खरीदना चाहते हो 4673। क्या ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो बोलो मेरे दोस्तों। अगर कोई आदमी रिलायंस के शेयर में इंटरेस्ट रखता है तो उस व्यक्ति को क्या कैश मार्केट में जाना चाहिए, एंड अपने अकॉर्डिंगली क्या वो 1, 2, 200, 500 जितने मर्जी शेयर खरीद सकता है। बाय डूइंग दिस ही विल बिकम पार्ट ऑनर ऑफ द कंपनी एंड ही विल बी एलिजिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। आप सबने पढ़ा होगा कि T+2 साइकिल होती है, विद इन 2 डेज उसके डीमैट अकाउंट के अंदर ये शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, और वो बन जाएगा प्रॉपर शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है जी, वेरी वेल डन। लेकिन अगर आप कहते हो कि ना 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 ना, आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ शेयर्स, मतलब मैं कंपनी के फ्यूचर में इंटरेस्टेड हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी शेयर्स, तो आप जाओ फ्यूचर में। अब मैंने क्या कहा था, देखो मैंने क्या कहा था, जब आप फ्यूचर में काम करोगे तो आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 3 महीने का फ्यूचर मिलेगा। अब आप देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, फेब्रवरी का, तो देखो कौन कौन सा मिल रहा है हमें, फेब्रवरी मिल रहा है, मार्च मिल रहा है और अप्रैल मिल रहा है, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, आपको 3 महीने का फ्यूचर मिल रहा है, आपको मई का नहीं मिल रहा। बताओ मई वाला फ्यूचर कब मिलेगा, कौन बताएगा मई वाला फ्यूचर कब मिलेगा, Who will tell me मई के महीने का फ्यूचर कब मिलेगा, बोलो मेरे दोस्तों। मई के महीने का फ्यूचर क्या मार्च में मिलेगा, वेरी गुड विशाल, याद रखना मार्च का महीना आते ही फेब वाला हट जाएगा, फेब वाला हट जाएगा, फेब के बदले में कौन आएगा, मार्च अप्रैल मई, वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बच्चा कई बार मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 1 मंथ लेना है, 2 मंथ लेना है या 3 मंथ लेना है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
अगर आपको ऐसा लगता है 3 महीने तक रिलायंस जो है ना वो 2800 का हो जाएगा, तो फिर आप कौन सा फ्यूचर बाय करो? 3 मंथ फ्यूचर बाय करो। अगर आपको लगता है कि 2 महीने के बाद रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप 2 मंथ फ्यूचर बाय करो। अगर आपको लगता है कि 1 महीने के बाद रिलायंस का फ्यूचर बढ़ जाएगा, तो आप 1 मंथ फ्यूचर बाय करो। यानी कि आपको कौन सा फ्यूचर बाय करना है, जल्दी बताओ। कौन सा फ्यूचर आप बाय करोगे, जल्दी बताओ। आपको वो फ्यूचर बाय करना है जो कि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद प्राइस ऊपर आ जाएगा, या इतने पीरियड के बाद प्राइस ऊपर आएगा। अगर आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस इसी महीने ऊपर चला जाएगा, तो आप 1 मंथ फ्यूचर बाय करेंगे। अगर आपको लगेगा कि रिलायंस के फ्यूचर का प्राइस 2 महीने के बाद ऊपर आएगा, तो आप 2 मंथ फ्यूचर बाय करेंगे। अगर आपको 3 महीने के बाद ऊपर जाएगा, तो आप 3 मंथ फ्यूचर बाय करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो मेरे दोस्तों। चलिए अब एक काम करते हैं, फरवरी के फ्यूचर को बाय करते हैं। अब देखो यहां पे आ जा, इधर देखो। जैसे ही मैंने फरवरी का फ्यूचर खोला, आप नोटिस करिए क्या पहले से ही 250 लिखा हुआ है। जल्दी बताओ, क्या पहले से ही 250 लिखा हुआ है, यस और नो? बोलो मेरे दोस्तों, क्या पहले से ही 250 लिखा हुआ है? बोलो, यस, ये पहले से ही 250 लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मैं इसको ये बोलूंगा ना कि मुझे एक शेयर बाय 25 खरीदना है, आप समझना फ्यूचर के अंदर ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लॉट, 1 लॉट ऑलवेज। ये देखो, देख रहे हो आप, जैसे ही मैं 2 लॉट करूंगा 500 हो जाएगा, 3 लॉट 750। आप देख रहे हो ये किसके मल्टीपल में चल रहा है, जल्दी बताओ, किसके मल्टीपल में चल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। एवरीबॉडी कम ऑन यार, किसके मल्टीपल में चल रहा है, बस ये बता दो। यस, 250। यानी कि आपको मिनिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा, और वो 1 लॉट जब आप मिनिमम खरीदोगे, तो याद रखना मिनिमम आपको 250 शेयर खरीदने पड़ेंगे। आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे 250 शेयर। क्या सबको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड, यू नीड टू बाय एटलीस्ट 250 शेयर्स, ये इसका मिनिमम लॉट साइज है। वेरी गुड, अब आप देखो ये कितने का मिल रहा है, चेक करो कितने का मिल रहा है। 107869 लिख लीजिए, 107869। यानी कि आपको ये पे करना है, याद रखना ये आपने जो पे करा ये मार्जिन मनी होता है, दिस इज मार्जिन मनी। अब आप बस इतना चेक करके देखो, ये था इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यानी कि अगर आप 250 शेयर बाय करते, तो आपको पैसा लगाना पड़ता 584162। लेकिन अगर आपको 250 शेयर का फ्यूचर बाय करना है, तो आपको सिर्फ पैसे कितने चाहिए, 107869। क्या सबको समझ में आया या नहीं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट मार्जिन आपसे मांगा जा रहा है, तो ये आपसे करीब 19% मार्जिन मांग रहे हैं, 19% अप्रोक्सीमेटली आपसे मार्जिन मांगा जा रहा है। मैंने क्या कहा था, जल्दी बताओ, क्या ये 20-25% रेंज करता है? क्या सबको क्लियर हुआ या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार जोरदार आवाज के साथ मुझे बोलेंगे क्या पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बस इतना बता दीजिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द गेम?
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। हाँ जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एक लॉट साइज फिक्स होता है, याद रखना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा एक लॉट फिक्स होता है, याद रखना। क्या सबको समझ में आया या नहीं ये बता दीजिए। सर एक बात बताओ, अगर मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर गिरेगा तो मैं क्या करूं? टेल मी, क्या करोगे? अगर आपको लगता है कि शेयर गिरना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहां पर जाओ और सेल कर दो, रिलायंस फेब्रुअरी फ्यूचर सेल। सेल का मतलब है कि आपके हिसाब से ये शेयर जो है उसमें गिरावट आने के चांसेस हैं। आपकी अपेक्षा है कि इस शेयर में बहुत जल्द एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आप शेयर को बाय ना करके क्या उस शेयर को सेल भी कर सकते हैं? यस, उसके फ्यूचर को आप सेल कर दीजिए। अच्छा, अगर मैंने सेल करा तो मुझे प्रॉफिट कब आएगा, उसके बढ़ने पर या गिरने पर? यस, तो अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरेगा तो हम उसके फ्यूचर को सेल कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या हम उसके फ्यूचर को बाय कर लेते हैं? क्या सबको पल्ले पड़ा या नहीं? हु विल बाय एंड हु विल सेल द फ्यूचर? टेल मी, अ पर्सन जिसका क्लियर कट इंटेंट है कि प्राइस ऊपर जाना है, क्या वो फ्यूचर बायर होता है? और जिसे लगता है कि प्राइस नीचे आना है, क्या वो फ्यूचर का सेलर बन जाता है? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। पल्लव कह रहे हैं सर मैं ग्रुप वन में हूं, मैं इन क्लासेस को देख सकता हूं। अरे ये ग्रुप वन की क्लास नहीं है मेरे बेटे, ये पांचवी क्लास का बच्चा भी देख सकता है और 85 ईयर का बुजुर्ग आदमी भी देख सकता है, है ना। देयर इज नो एज लिमिट फॉर ऑल दीज क्लासेस। नॉलेज की कोई उम्र नहीं है, जब मर्जी ले लो। क्या ये सबको समझ में आया या नहीं? बोल दो मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया। यू वॉन्ट टू सी अडानी? आजकल अडानी बहुत हिट लिस्ट में है, देखना चाहेंगे? चलिए अडानी इंडस्ट्रीज की देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। लिखो अडानी का शेयर प्राइस 1847। लिखो जरा, सारे लिखेंगे साथ साथ। शेयर प्राइस 1847, 1847 रुपए। सॉरी, अडानी का शेयर प्राइस, ठीक है जी। अच्छा, अडानी का भी लॉट साइज 250 का ही है। अडानी एंटरप्राइज का अगर आप शेयर का लॉट देखेंगे तो वो भी 250 का है। अभी लॉट कैसे डिसाइड होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है? वो भी मैं अभी आपको पूरी गेम समझाता हूं कैसे होती है। अडानी के शेयर के प्राइस का लॉट 250 शेयर का 1847 रुपए के हिसाब से कितने का बनेगा ये बताओ। ₹4,61,750 रुपीज का। ठीक है जी। अब मान लो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ अडानी, तो या तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 250 शेयर बाय करूंगा। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं 250 शेयर बाय करता हूं तो 461,737 मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अडानीज शेयर बट आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ अडानीज शेयर,
अब देखो फेब्रवरी मार्च अप्रैल फिर से फ्यूचर आ गया या नहीं। अब आप देखो फेब का फ्यूचर देखो सारे, तीन लाख 22,389। बताओ जी क्या कर दिया इन्होंने। ओ भाई साहब, रिलायंस के लिए 1,07,000, इसका मार्जिन कितना मांग रहे हैं? हाँ जी कितना मार्जिन आ रहा है? 322,389। कोई रीजन देगा? स्टॉक मार्केट को भी डर लग रहा है भैया रिलायंस से और सॉरी अडानी से। बताओ 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 क्या यहां पर स्टॉक मार्केट भी डर रही है? हाँ, हाईली वॉलाटाइल। अडानी तो ऐसे फेंक रहा है आजकल 400 500 600 तो मजाक हो गया है। यस 322,389 डिवाइड बाय 461750 इनटू 100। चलो चेक करके देखो। ओ भाई साहब स्टॉक मार्केट वालों को क्या हो गया? इतना थ्रेट है, इतना थ्रेट है भाई। सर 0.69818 69% का मार्जिन उठा रहे हो। हाँ देखो ये होता है प्रैक्टिकल। नहीं जितना मर्जी बुकिश पढ़ते जाओ कोई फायदा नहीं होगा अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो। जल्दी बोलो फटाफट से क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो बोलो मेरे दोस्तों। सबको पल्ले पड़ गया या नहीं ये बता दो बस। बहुत शानदार। अब मैं आपको ना दो शेयर मैंने दिखाए, एक अडानी का दिखाया मैंने और एक मैंने दिखाया रिलायंस का। दोनों का लॉट साइज कितना था? 250। अब मैं आपको दिखाता हूं IRCTC, इसका लॉट साइज देखो क्या है, 875। प्रांजल क्या तेरे को आंसर दूं मेरे बच्चे? मेरे को तेरा क्वेश्चन तो समझ आए। क्लास का कोई टाइम नहीं है, नॉर्मली संडे को होती है, कभी भी हो जाती है। हां जी कौन बताएगा मुझे क्या ये 875 का लॉट साइज है? हाँ जी 875 का लॉट साइज है। जरा एक बारी ना आप एक काम करो, 875 इंटू 641 करके बताओ कितना आ रहा है। 875 इंटू 641 बताओ कितना आ रहा है? 560,875। ठीक है अब आप सबने लॉजिक समझना है क्या? ठीक है ना, सबने लॉजिक समझना है। देखिए जब ये लॉट साइज फिक्स होता है ना तो इंटेंशन बहुत क्लियर होता है कि हम ना 10 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे इसको। आप कोई भी लॉट जब आप देखोगे ना तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो रेंज करेगी 4 से 10 के बीच में। कोशिश ये रहती है कि वो 4 से नीचे भी ना आए और 10 लाख से ऊपर भी ना जाए, ऐसी कोशिश होती है। तो अब मैं जितना छोटा शेयर लूंगा, मैं आपको दिखाता हूं
देखो मैं आपको लॉजिक दिखा रहा हूं, ये लॉजिक आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस काम करने से आती है बेटा, जब आप काम करते हैं तब आपको पता चलता है ये सब चीजें। देखो मैं बजाज फाइनेंस लिखूंगा, आप देखना उसकी शेयर वैल्यू कितनी हाई है, जितना शेयर महंगा होगा, देखो शेयर सस्ता कॉन्ट्रैक्ट में लॉट में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा, जितना बड़ा होता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। तो आप बताओ पहले ये 1403 का है ना, तो इसमें 500 हो गया, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सारे बच्चे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1403 इंटू 500 7 लाख, हाँ जी सबको समझ आ रहा है या नहीं। इसका मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 7 लाख है और इसमें वो मार्जिन मांग रहा है कितना बेटा, 157,744। वेरी गुड, और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो बजाज फाइनेंस का दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो शेयर है 6462, 6462 रुपए का शेयर है। नाउ सी सिर्फ 125, जरा मल्टीप्लाई करना है इसको, सारे बच्चे जरा मल्टीप्लाई करो, हाँ अब समझ आ रहा है या नहीं। शेयर का प्राइस बढ़ रहा था तो उन्होंने यहां पर क्या करा, लॉट का साइज घटा दिया। बेटा आपको लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं, बोलो मेरे दोस्तों। वेरी वेल डन। अब जैसे देखो बीपीसीएल देखो कितना सस्ता है, अब मैं बीपीसीएल का दिखाता हूं, ये देखो बीपीसीएल का शेयर जो है ना, इधर देखो मात्र 300 रुपए का था, 334 रुपए का है, लेकिन इसलिए यहां पर आप चेक करो कितना आ रहा है, 1800 क्वांटिटी का फ्यूचर आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 1800 इंटू 334, 6,01,200। मेरे ख्याल से सबको पल्ले तो पड़ ही गया होगा, लेकिन इसके लिए मार्जिन कितना देना है आपने, मार्जिन देना है 1,12,769 रुपीस, मार्जिन कितना देना है, 1,12,769 रुपीस का मार्जिन देना है आपने। सबको समझ में आया या नहीं आया, बस इतना जवाब दे दीजिए बस मेरे को, आप सारे बच्चे प्लीज आंसर करेंगे क्या हमें समझ में आया है। वेरी गुड, चलिए तो हमारा ना डेरिवेटिव्स में वी हैव डन विद फ्यूचर्स। नाउ मेरे को दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने थे आपको, एक हमने पूरा पढ़ लिया, कौन सा वाला, फ्यूचर्स। क्या फ्यूचर्स आपको समझ में आ गया या नहीं। देखो एमआरएफ ओवर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि उसने ना कभी भी ना उसको ना तो स्प्लिट करा, ठीक है, ना ही उसने अपनी कंपनी के शेयर के अंदर कभी भी ब्रेकअप किया। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है पता है, नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो हमेशा कंपनीज क्या करती हैं, उस कंपनी उस शेयर के प्राइस को तोड़ देती हैं, छोटा कर देती हैं, उसके लिए या तो वो स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, स्प्लिट सुना ना आपने, जैसे अभी उसका आया था IRCTC का आया था, तो
एक शेयर को हम 5 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो समथिंग लाइक दैट। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो वो शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। यश कह रहा है मार्जिन क्यों देना होता है। देखिए मार्जिन देने का इंटेंशन होता है एक तरह से सिक्योरिटी अमाउंट है। तूने बाय करा विद एन इंटेंट कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और गिरना शुरू हो गया तो वो जो लॉस आएगा वो लॉस स्टॉक एक्सचेंज क्या तुमसे एक तरह से मार्जिन रखवा लेता है और उसमें से वो काटेगा, ठीक है ना। और अगर वो लॉस आपको आता है तो आपका मार्जिन मनी माइनस लॉस विल बी रिफंडेड टू यू। सिंपल। क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलिए तो आज के सेशन में हम फ्यूचर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन स्टार्ट करूंगा फर्क मजा नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन 1.5 घंटे का है, तो हम अब ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, चुप करके ना कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें कैसी लगती है क्लासेस, समझ आ रही है ना। बस मजे लेने आ जाते हो और कहीं कमेंट वमेंट कर दिया करो, पता चल जाए, हमें भी पता चले ना आपको मजे आ भी रहे हैं नहीं। संडे को बेटा बीवी छोड़ छोड़ के बैठे होते हैं हम कमरे में। हाँ बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं मेरी, कह रहे सर कब आओगे आप, संडे तो हमें दे दिया करो। हमने कहा नहीं, संडे भी बच्चों का है, ठीक है। चलो फिर तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद ऑप्शंस। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।